तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, इन फिगर ए डी एंड सी ई एक फिगर बनाया गया है। हियर इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में, यहां से इस ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड है, दिस इज अ अल्टीट्यूड, दिस पॉइंट एंड नेक्स्ट वन मोर परपेंडिकुलर हियर, एंड नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, एंड सी दिस पॉइंट इज डी एंड ई, और ये पॉइंट है आपका पी। तो दीज टू पॉइंट्स यहां पर आपकी अल्टीट्यूड दिए गए हैं और ईच अदर पॉइंट, सो दैट हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, गिवन में ट्रायंगल ए बी सी में सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी। ये दोनों हमारे पास जो है यहां पर गिवन है, और टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसको समझे। फर्स्ट पार्ट इसमें बोला गया है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, सेकेंड ए ट्रायंगल बी डी इज सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, एंड थर्ड है ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, एंड फोर्थ है यहां पर ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। ये चार हमारे पास जो प्रूव करने के क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनको हम प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को। अब हमें यहां पर ढूंढना है कि हमारी कौन सी क्राइटेरिया ये चारों जो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है उसमें हमारी फिट बैठती है। तो पहला काम हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। प्रूफ में अब फर्स्ट हमें प्रूफ करना है, तो हम उसी ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में। अब ए ई पी कहां है, ये ट्रायंगल, और सी डी पी कहां है, ये ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल आपका ए ई पी इज इक्वल टू एंगल, यहां पर आपके पास जो है सी डी पी, ये ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल जो है यहां पर और यहां पर परपेंडिकुलर है, यानी कि जहां भी आवश्यकता होगी यहां पर अल्टीट्यूड हमें क्या करता है परपेंडिकुलर, और साथ में एंगल ए पी ई, ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, सी पी डी ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने दो प्रॉपर्टी यहां पर इसके ट्रायंगल में अवेलेबल है, यानी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, तो हम सिंपली कह सकते हैं बाय ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल आपका ए ई पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। तो ये हमारा जो है पहला रिजल्ट प्रूफ। अब यहां पर जब पहला रिजल्ट प्रूफ होता है तो हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यहां पर हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दो एंगल थे इक्वल 90-90 के, तो इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल हमारे आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखा ई एंगल डी के इक्वल है, तो ई हमने डी के इक्वल रखा है, पी एंगल जो है पी के इक्वल है, तो पी के जगह पे हमने पी ही लिखा है, अब बाकी जो बचता है हम उसे लिखते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई में, सी बी
ई में। आप ढूंढेंगे एक चीज कहां पर है, ए बी डी ये बड़ा ट्रायंगल और सी बी ई यानी कि सी बी ई में इस बाहर वाले ट्रायंगल में। तो हम यहां पर देखेंगे पहले ए बी डी में, तो ए बी डी में एंगल डी 90 डिग्री है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, और सी बी ई में, सी बी ई में हमारा बी ई सी, बी ई सी ये भी क्या है, ईच 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारे पास कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। अब देख रहे हैं जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, एक 90 डिग्री वाला और एक एंगल ऐसा है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो दो एंगल हमारे पास इक्वल है, तो बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल आपका ए बी डी ए सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, ये सी बी ई के ये हमारे पास सिमिलर। हमने दो प्रॉपर्टी, दो जो है इसके प्रूफ करने के पार्ट को हमने देख लिया, अब तीसरे की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट कहता है इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में, अब ए ई पी को फिगर में ढूंढेंगे, ए ई पी ये छोटा ट्रायंगल और ए डी बी, ए डी बी ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि एंगल जो है ए ई पी, ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल जो है हमारे 90 डिग्री है। फिर इसके बाद एक एंगल आपका आता है एंगल यहां पर ई ए पी, ई ए पी इज इक्वल टू एंगल यहां फिर से डी ए बी, डी ए बी ये कौन से एंगल है, ये एंगल है कॉमन एंगल, ये दो एंगल हमारे कैसे हैं, कॉमन एंगल। यहां भी हमारी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया बिल्कुल फिट बैठती है, हम यहां लिख सकते हैं बाई ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए ई पी ए सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। तो ये हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया यानी थर्ड पार्ट था जो इसमें प्रूव करना था, इसको हमने आसानी से केवल दो एंगल को दिखा करके हमने इसे प्रूव कर दिया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका फोर्थ पार्ट है इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी में, बी ई सी में हम देखेंगे कि यहां पर पहले ढूंढेंगे तो PDC ये छोटा ट्रायंगल और BEC, BEC ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें भी हम देखते हैं कि एंगल जो है PDC is equal to एंगल PDC और आपके पास जो है दूसरा एंगल है BEC, तो यहां हमारे पास BEC यहां भी each 90 डिग्री, ये प्रत्येक कैसे एंगल है 90 डिग्री के एंगल है, और उसके बाद जो है एंगल यहां पर पी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये हमारे पास कॉमन एंगल, ये कैसे एंगल है, दीज टू एंगल्स आया आर कॉमन, ये बोथ दोनों ट्रायंगलों में है। फिर से हम कह सकते हैं बाई ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल PDC is similar triangle BAC के। तो हमने देखा कि हमने इसके चारों पार्ट में पहला काम जिस दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना होता है स्टूडेंट्स, उन दो ट्रायंगल में ही हम ढूंढते हैं कि हमारे पास फिगर में क्या क्या अवेलेबल है,
कोई एंगल कॉमन तो नहीं है, कोई एंगल हमारा 90 डिग्री तो नहीं है, कहीं कोई वर्टिकली अपोजिट तो नहीं है, कहीं अल्टरनेट इंटीरियर तो नहीं है, तो उनमें से हम देख करके पहले पहचानना होता है। और वो जब हम पहचान जाते हैं, उन्हें ढूंढ लेते हैं और हमारी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया फिट हो जाती है, तो उस एंगल को साइड को लिखते हैं और उसके साथ ही साथ उस एंगल और साइड के बगल में उसके जो है प्रॉपर्टी, यानी वो कहां से लिया गया है, उस किस रीजन देना बहुत जरूरी होता है ज्योमेट्री में। और तब आप जब सुटेबल रीजन दे देते हैं तो आपका क्वेश्चन 101% परफेक्ट हो जाता है और आप फुल मार्क्स प्राप्त करने के हकदार हो जाते हो। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी थोड़ा ध्यान से सुने। E is a point on a side AD produced of produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that ABE is similar CFB। यहां पर हमारे पास we have a parallelogram, एक parallelogram दिया गया है। इस parallelogram को हम यहां पर first construct करेंगे and this parallelogram A, B, C, D, and यहां पर एक कहा जा रहा है कि इसको प्रोड्यूस एक बढ़ाया जाए और इसे हम प्रोड्यूस आगे बढ़ाएं इस parallelogram की। तो ये पॉइंट आपका F और ये पॉइंट आपका E बन जाता है। तो यहां पर लिखा गया है क्या गिवन है उसको लिखना। गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCD इज अ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ओके, अब बात आती है कि यहां पर हमें जो है अब इसको हम स्टार्ट करते हैं टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। सी एफ बी मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर देखना है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसी ट्रायंगल के अंदर ढूंढने का काम करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे नैनीताल जाना है तो मैं नैनीताल का रास्ता पकड़ूंगा, नैनीताल के अंदर की बातें करूंगा, नैनीताल के बारे में दूसरों से पूछूंगा, नहीं कि मैं जो है किसी लखनऊ या किसी अन्य स्टेट या अन्य सिटी के बारे में बात करूंगा। तो जिस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है हमारा सारा काम उस ट्रायंगल के अंदर ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, अब देखते हैं इस फिगर में ये दोनों ट्रायंगल कहां पर है। तो ये ए बी ई, ये बड़ा ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा ट्रायंगल, और सी एफ बी ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों को हमें देखना है। तो हम एक चीज देखते हैं कि यहां पर ये ए डी लाइन बी सी के पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन बी ई इसे कट कर रही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज बी इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पर लिखेंगे इफ ए ई इज पैरेलल टू बी सी सो एंगल ए ई बी, ए ई बी इज इक्वल टू एंगल यहां पर सी बी एफ। सी बी एफ यहां रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए स्टूडेंट्स। अब बात आती है एक एंगल हम दिखाने में कामयाब हो चुके हैं, एक और एंगल अगर हमें इक्वल दिखा देता हूं तो हमारा यह जो है क्राइटेरिया फिट हो जाती है और ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो हम जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल। तो ये ए एंगल जो है इक्वल होगा इस सी के, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल यहां पर ई ए बी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ यहां लिखेंगे
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमारे जो है इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। अब जब इक्वल हो गए तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी क्राइटेरिया बिल्कुल फिट हो जाती है, दो ट्रायंगल में अलग अलग दो एंगल हम दिखाने में इक्वल कामयाब हो गए, इसलिए जो है हमारा ये रिजल्ट भी आसानी से बिना किसी दिक्कत के प्रूफ हो गया। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख सकते हैं बाई ए ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से ट्रायंगल आपका ए बी ई, ए बी ई ए सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी। सो स्टूडेंट्स हमारा ये रिजल्ट भी और ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से प्रूफ हो गया।